हेलो एवरीवन, वेलकम टू इतर आई क्रिएटिविटी। और आज हम आपको बताएंगे इडली बनाने की रेसिपी। तो हमारे वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। इडली के लिए सामग्री ले लेते हैं। ये 1 कप उड़द दाल, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। और देखिए 3 कप चावल है, इसको भी अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। और ये आधा चम्मच मेथी दाना डालने से स्वाद अच्छा आता है, इडली का सोनापन आता है। तो हम इसे भिगो देते हैं। दोनों को अलग अलग ही भिगोएंगे क्योंकि अलग अलग हमें पीसना है। चावल में भी पानी डाल लेते हैं। इसको हम 8 घंटे के लिए फूलने के लिए दे डाल देंगे। मेथी दाना भी डाल लेते हैं। इसको 8 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। 8 घंटे में ये फूल जाएगा, उसके बाद हम मिक्सी में पीस लेंगे। देखिए 8 घंटा हो चुका है और अब हमारा दाल फूल गया है। ये देखिए, हम दबा के देखेंगे तो थोड़ा मुलायम लग रहा है, तो समझिए कि फूल चुका है अच्छी तरह से। और ये देखिए चावल हमारा भी फूल गया है। अब हम इसे पीस लेते हैं। तो इसके लिए एक मिक्सी का जार लेते हैं, देखिए, और इसमें हम दाल को डाल लेंगे। और दाल को एकदम महीन पीसना है। दाल का पेस्ट बना लेंगे और दाल को एकदम महीन पीसेंगे। अरे चलिए, हम इसको पीस लेते हैं। ये देखिए, हमने दाल को पीस लिया है और दाल को महीन पीसना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीसें। अब इसको हम एक बड़ा सा डब्बा में निकाल लेते हैं। तो ज़्यादा पतला नहीं पीसना है, गाढ़ा ही पीसना है। बाद में देखेंगे कि अगर पानी कम रहा है तो पानी डालेंगे। इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमने दाल निकाल लिया है। अब हम चावल को भी पीसेंगे। चावल को दरदरा पीसेंगे, चावल को पतला नहीं पीसना है, दरदरा ही पीसना है। ठीक है, चावल को भी हम पीस लेते हैं। देखिए, हमने चावल को भी पीस लिया है, दरदरा पीस लिया। और इसी बर्तन में हम इसे निकाल लेते हैं। हम इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, 1 चुटकी नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच काली मिर्च डालेंगे। अब हम ये सबको इसमें डाल लेंगे और डालने के बाद इसको इस तरह से मिला लेंगे। कम से कम 5 मिनट तक इस तरह से मिला लेंगे। खाने वाला सोडा डालने से हमारा घोल में खमीर जल्दी पैदा होगा क्योंकि इससे खमीर पैदा होगा। काली मिर्च डालने से इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा होता है। और नमक थोड़ा ही डालें क्योंकि ज़्यादा डालने से इसमें खमीर जल्दी नहीं पैदा होगा, ये जल्दी इसका घोल तैयार नहीं होगा। हम इसे ढक्कन से ढक लेंगे और गर्म जगह पर कहीं डाल लेंगे। कम से कम 12-13 घंटे के लिए रखेंगे। 12-13 घंटे के बाद देखेंगे इडली का घोल कैसा बना है। 12-13 घंटे के बाद हम इडली बनाएंगे। ये 12 घंटे हो गए हैं और ये फूल के इतना ऊपर आ गया है। और हम अब लेंगे 1 इडली का स्टैंड, 2 चम्मच तेल ऑयल, इसे हम स्टैंड पे लगाएंगे। और 1 गिलास लेंगे पानी, 1 लेंगे कुकर, इसका ऊपर का सीटी हम निकाल देंगे, देखिए रिमूव कर लेंगे। चलिए स्टैंड के ऊपर ऑयल को लगा लेते हैं। ऑयल को स्टैंड पे लगा लिया है और अब गैस को ऑन कर लेते हैं। इसमें 1/2 गिलास पानी डाल देते हैं।
और इसको ढक्कन ऊपर से रख के 5 मिनट रहने देंगे, गर्म होने देंगे, तब तक हमारा पानी गर्म हो जाएगा। अब देखिए, अब हम इसमें बैटर डालते हैं, इसको मिलाना नहीं है, बस इसको ऐसे ही ऊपर से लेकर स्टैंड में डाल लेंगे। ओवर नहीं डालेंगे, देखिए हमने इतना डाला है, उनको सब में डाल के दिखा दूंगी, सब में डाल के दिखा देती हूँ। देखिए मैंने डाल लिया, अब इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, इस तरह से, देखिए है ना, इस तरह से एक दूसरे में चिपके ना। अब इस पे भी हम डाल लेंगे, इसी तरह से डालेंगे, ऊपर से उठाएंगे, इसमें डाल लेंगे, अब सभी में डाल लेते हैं। देखिए हमने डाल लिया है और इस तरह से लगाया है, ये देखिए। अब इसमें ऊपर में एक नट रहता है, उसको हम लगा लेंगे, उठाएंगे, ये देखिए कुकर में रखेंगे, कुकर में हमने इस तरह से देखिए रख दिया है। कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं, फ्लेम को 2 मिनट हाई रखेंगे, उसके बाद फ्लेम को लो कर लेंगे और इसे 6 से 7 मिनट तक पकने देंगे। देखिए अब हमारा 7 मिनट हो चुका है, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे 2 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देंगे, ठंडा होने देंगे। ये 2 मिनट हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। हम इसे स्टैंड से निकाल लेते हैं, इसे हम या तो इस तरह चम्मच की सहायता से निकालेंगे या फिर चाकू की सहायता से निकाल लेते हैं। देखिए हमारा इडली हो चुका है और इसी तरह से हम सारे गोल का इडली बना लेंगे। अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग, ये हमने कर ली है इसकी प्लेटिंग और ये बहुत सॉफ्ट इडली बनी है, मैं आपको दिखा रही हूँ तोड़ के, ये देखिए इतना सॉफ्ट इडली बना है, कितना अच्छा बना है और ये बहुत ही टेस्टी होता है। ये एक्चुअल में साउथ इंडियन फूड है जो साउथ इंडिया में बहुत ही पसंद की जाती है, इसे सांभर के साथ खा सकते हैं। तो रेसिपी कैसे लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या फिर आप कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि अगला वीडियो का अपडेट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद।